उत्तर प्रदेश के बदायूं में बाल काटने वाले साजिद ने दो भाइयों आयुष और आहान की गला काटकर हत्या कर दिया। जब तीसरा भाई पीयूष उसको बचाने आया तो पीयूष पे भी हमला कर दिया, वो भी लहूलुहान है और हॉस्पिटल में भर्ती। जब से ये बदायूं में घटना हुई है उसके बाद जो राष्ट्रवादी हैं, नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, मठाधीश, ये सब लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जागो हिंदू, जागो हिंदुओं, इकट्ठा हो जाओ हिंदू, इकट्ठा हो जाओ। और जो गांधीवादी, अंबेडकरवादी, साम्यवादी, लोहियावादी, समाजवादी, सेकुलर, लिबरल नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार है, वो शांत होकर बैठे हुए। अब दो तीन दिन ये घटना चलेगी, हो सकता है कि टीवी में डिबेट भी हो जाए, सोशल मीडिया पे तो चलती रहेगी, अखबार में दो चार बार और कहानी इसकी छपेगी, उसके बाद शांत हो जाएगा, फिर अगले हफ्ते कहीं और गला काटा जाएगा। क्योंकि गला कटने की प्रक्रिया हर हफ्ते होती रहती है, कभी राजस्थान में गला कटता है, कभी महाराष्ट्र में गला कटता है, कभी दर्जी का गला कटता है, कभी नाई का गला कटता है, अब ये दो बच्चों का गला काटा गया। गला काटने वाला ऐसा भी नहीं भाग गया, गला काटने के बाद उसने बताया बच्चों का खून लिया, अपने चेहरे पे लगाया और लगा के वहां खड़ा रहा, फिर भीड़ ने उसको पकड़ा, पुलिस आई, उसको लेके गई। सवाल ये है कि क्या ये तूतू मैमे करना, आरोप प्रत्यारोप करना, नूरा कुश्ती करना, बतोलेबाजी करना, यही इसका समाधान है? क्या सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर देने से जब जब ये घटना घटेगी और जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो ये कहने से ये घटना ठीक हो जाएगी? हम इस समस्या के मूल कारण पे क्यों नहीं जा रहे हैं, अस्थाई समाधान पे क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर इस पे चिंतन क्यों नहीं हो रहा है कि ये जो नफरत की आग बढ़ क्यों रही है, क्या कारण क्या है, वो कौन सा स्कूल है जहां ऐसी नफरत सिखाई जाती है? किसी भी व्यक्ति का व्यवहार इस बात पर डिपेंड करता है आंखों से वो क्या देखता है, कान से वो क्या सुनता है, मुंह से क्या खाता है। अगर आंखों से बच्चा बचपन से ही देख रहा है, कभी मुर्गी का गला काटा जा रहा है, कभी बकरी का गला काटा जा रहा है, कभी गाय का गला काटा जा रहा है, कभी भैंस का गला काटा जा रहा है, कभी बछड़े का गला काटा जा रहा है, तो वो बचपन से ही गला कटता हुआ देख रहा है। उसके लिए गला काटना कोई बहुत अलग बात नहीं है, सामान्य बात है। जानवर का गला काटता हुआ देख रहा है तो ठीक है, गुस्सा आएगा तो इंसान का भी गला काट देगा। बचपन से वो कान से सुन रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत के लायक नहीं। बचपन में पांच बार, बचपन से ही पांच बार दिन में सुन रहा है कि न राम पूजा के लायक, न कृष्ण पूजा के लायक, न देवी जी पूजा योग्य है, न भगवान महावीर पूजा योग्य है, न गौतम बुद्ध पूजा योग्य है, न भगवान शंकर पूजा योग्य है, न भगवान विष्णु पूजा योग्य है। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो कुछ करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, वो पूजा योग्य नहीं है। और वो बचपन से सुन रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक बार नहीं दिन में पांच बार सुन रहा है, लाउड स्पीकर के जरिए सुन रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है बड़ा होगा तो राम के भक्तों को, लक्ष्मण के भक्तों को, या कृष्ण के भक्तों को, देवी जी के भक्तों को, शंकर के भक्तों को, विष्णु के भक्तों को वो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तो बचपन से सुन रहा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं दल गुलामी छोड़िए, ऐसे ही गला कटता रहेगा अगर हमने कानून नहीं बदला, व्यवस्था नहीं बदली। और जिन नेताओं के भरोसे आप घूम रहे हैं ना, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, फिर आपके बच्चों का भी गला कटेगा। ये जिन लेखकों के, बुद्धिजीवियों के, पत्रकारों के, कलमकारों के भरोसे आप घूम रहे हैं ना, जिन न्यूज एंकरों के भरोसे आप घूम रहे हैं, जिन मठाधीश के और महामंडलेश्वर के कथावाचकों के भरोसे आप घूम रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आपके बच्चों का भविष्य केवल और केवल आज का कानून बचा सकता है, बस। ये जिनके जिनके साथ आप घूम रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं, ये 25 साल के बाद सब रिटायर होकर अपने अपने घर में होंगे, आप भी अपने घर में होंगे, लेकिन जिनकी आप जय जयकार कर रहे हैं ये भी अपने घर में होंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, तूतू मैमे करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, सड़क पे रैली निकालने से, सड़क पे मशाल जुलूस निकालने से, थाने को घेर लेने से और शक्ति प्रदर्शन कर देने से, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। चीन में आखिर गला क्यों नहीं कटता, सिंगापुर में गला क्यों नहीं काटा जाता, कोरिया में किसी का गला क्यों नहीं कटता, जापान में किसी का गला क्यों नहीं कटता? जब तक इस बात पे हम नहीं सोचेंगे ना, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इस जिहाद मजहबी उन्माद का सबसे पहले हमें
ये जो विशेष स्कूल चल रहे हैं इनको बंद करना पड़ेगा। ये नफरत सिखाने वाले जो स्कूल चल रहे हैं ना, इनको बंद करना पड़ेगा, जहां सिखाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जाता, मदरसों में सर्व मंगल मांगल्य नहीं सिखाया जाता, मदरसों में नारी तू नारायणी नहीं सिखाया जाता, मदरसों में सबका साथ सबका विकास नहीं सिखाया जाता, वहां केवल एक बात सिखाई जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। तो इससे नफरत, उससे बच्चे के मन में नफरत फैलती। मदरसों को बंद करना पड़ेगा और कम से कम 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करके, और 10वीं तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। सभी बच्चों को आपको वेद पढ़ाना पड़ेगा, वाल्मीकि रामायण पढ़ाना पड़ेगा, रामचरितमानस पढ़ाना पड़ेगा, आपको भगवद गीता पढ़ानी पड़ेगी, कर्मयोग भक्तियोग राजयोग पढ़ाना पड़ेगा, अष्टांग योग पढ़ाना पड़ेगा, यम नियम सिखाना पड़ेगा, आसन प्राणायाम सिखाना पड़ेगा, योग सबको कराना पड़ेगा, तब जाके शांति आएगी, तब समृद्धि आएगी। दूसरा, ये जितने पर्सनल लॉ चल रहे हैं ना, इन सारे पर्सनल लॉ को खत्म करना पड़ेगा, जितनी विदेशी कुरीतियां चल रही इनको सबको खत्म करना पड़ेगा, एक भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारतीय एक समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, तब जाके इस देश में शांति आएगी। नहीं तो ये नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी आप देख लीजिए बदायूं में लोकल बॉडी में किसकी, नगर निगम में कौन है, बीजेपी, उत्तर प्रदेश में कौन है, बीजेपी, केंद्र में कौन है, बीजेपी। तो कायदे से बदायूं में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसके बाद भी गला काटा जा रहा है। इसका मतलब सांसद विधायक बदलने से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान कानून से होगा, समान शिक्षा समान नागरिक संहिता, घुसपैठी घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून, घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ को रोकना पड़ेगा, और जो भारत में घुसपैठियां हैं 5.5 करोड़ उनको भगाना पड़ेगा, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जो लोग भारत के पंथ को मानने वालों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट करते हैं उनको और उनके मददगारों को उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, समान शिक्षा समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण धर्मांतरण नियंत्रण के साथ जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। भाई वो तो दो बच्चे थे ना, आयुष और आहान, मार दिए गए, तीसरा भाई एक भाई बचा हुआ है बस, और दूसरी तरफ साजिद वो मर भी गया तो क्या हुआ, वो तो 12 भाई बहन थे, 11 तो बचे हुए ना, उनकी जनसंख्या तो बढ़ रही, दूसरी तरफ एक पूरी जनरेशन खत्म, दो बच्चे, तीन बच्चों में से दो खत्म हो गए, एक ही बचा हुआ है, दूसरी तरफ 11 भाई बहन में से एक खत्म हुआ, 10 तो बचे हुए ना, तो जनसंख्या किसकी बढ़ रही है। हम दो हमारे दो लागू करना पड़ेगा, जो आदमी हम दो हमारे दो ना माने उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं दल गुलामी छोड़ दीजिए, अगर दल गुलामी करते रहोगे तो 25 साल के बाद आपके बच्चों का भी कोई साजिद आएगा गला काटेगा। दल गुलामी करते रहोगे तो जैसे कश्मीर में पलायन हुआ, अपने घर से पलायन करना पड़ेगा आपके बच्चों को। दल गुलामी करते रहोगे जैसे अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए, भारत के 200 जिलों में खत्म हो गए, भारत के 900 तहसीलों में खत्म हो गए, एक दिन अपनी तहसील में भी खत्म हो जाओगे, अपने गाँव में भी खत्म हो जाओगे। अगर चाहते हो बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, सनातन संस्कृति ऐसे बढ़ती रहे जितनी है उतनी बरकरार रहे, डेमोग्राफी अब न बदले, तो समान शिक्षा समान नागरिक संहिता घुसपैठ नियंत्रण धर्मांतरण नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण कम की मांग करो। ये 5 कानून ही सनातन संस्कृति को बचा पाएंगे, ये 5 कानून ही सनातन धर्म को बचाएंगे, ये 5 कानून ही आपके बच्चों को बचाएंगे। नहीं तो एक बात याद रखना, राज कपूर का परिवार सब कुछ छोड़ के भागा था पाकिस्तान से, राम जेठमलानी जी का परिवार सब कुछ छोड़ के भागा पाकिस्तान से, मनमोहन सिंह का परिवार सब कुछ छोड़ के भागा परिवार से, आडवाणी जी का परिवार सब कुछ छोड़ के भागा पाकिस्तान से, सुनील दत्त का परिवार सब कुछ छोड़ के भागा था पाकिस्तान से, मिल्खा सिंह का परिवार सब कुछ छोड़ के भागा था पाकिस्तान से, लाला अमरनाथ का परिवार सब कुछ छोड़ के भागा था पाकिस्तान से, प्रेम चोपड़ा का परिवार सब कुछ छोड़ के भागा था पाकिस्तान से, और आज भी लोग भाग रहे हैं वहां पे। आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी ऐसे भागे, आराम से दल गुलामी करिए, नेताओं की जय जयकार करते रहिए, बढ़िया मस्ती में रहिए, और चाहते हो बदलाव आए आज ही 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाओ
और अपने फेसबुक पर लिखो हमको 5 कानून चाहिए, समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और सीधे अपने फेसबुक पर लिखो जो पार्टी ये 5 कानून बनाएगी उसको हम वोट करेंगे, जो नहीं बनाएगी हम उसको वोट नहीं करेंगे।